प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शिव तांडव स्तोत्र के विषय में वर्णन करूंगी। शिव तांडव स्तोत्र एक ऐसा शक्तिशाली स्तोत्र है जिसे प्रकांड विद्वान रावण के द्वारा रचा गया था। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक गाया था। यह स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित शिव भक्तों को श्रद्धा पूर्वक समर्पित है। स्तोत्र इस प्रकार से है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डम 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 डमन निनाद व डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम तनोतु नः शिवा शिवम तनोतु नः शिवा शिवम। अर्थात जिन भगवान शिव जी की सघन वन रूपी जटाओं से प्रवाहित होकर गंगा जी की अविरल धारा उनके कंठ को प्रक्षालित करती है, जिनके गले में लंबे सांपों की मालाएं लटक रही हैं, जो शिव जी डम 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 डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं, वह शिव जी हमारा सदैव कल्याण करें। जटह कटह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम। अर्थात जिन शिवजी की जटाओं से वेगपूर्वक भ्रमण कर रही माँ गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बालचंद से विभूषित शिव जी में मेरा अनुराग विश्वास भक्ति बढ़ती रहे। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनी। अर्थात जो पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंद चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि निवास करती है, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त आपत्तियां विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे आकाश को ही अपना वस्त्र बनाकर धारण करने वाले अर्थात दिगंबर शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सदैव आनंदित अर्थात प्रफुल्लित होता रहे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत तगुत्रीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। अर्थात जिनकी जटाओं में लिपटे हुए सांपों के फणों की मणियों का पीला प्रकाश मानो केसर की कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, जो गज चर्म से विभूषित हैं, मैं उन शिव जी की भक्ति में आनंदित रहूं जो समस्त प्राणियों के आधार स्तंभ हैं। सहस्र लोचन प्रभित शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधु सरांग्री पीठ भू भुजंग राज मालिया निबद्ध जाट जूट कहा श्रीय चिराय जाय ताम
चकोर बंधु शेखरा। अर्थात जिनका चरण इंद्र विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के पुष्पों से धूल से रंजित है, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजित है, वह चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा प्रदान करें। ललाट चत्वर ज्वलद धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सहायकम नमन निलिंप नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तु न। अर्थात जिन शिवजी ने इंद्र आदि देवताओं का अहंकार दमन किया, कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया था, जो सभी देवों के द्वारा पूजित हैं, जो चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वह शिव जी हमें सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजया हुति कृत प्रचंड पंच सहायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नयक शिल्पिन त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थात जिनके मस्तक से धक धक करती प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जो शिव जी पार्वती जी के स्तन पर चित्रकारी करने में चतुर हैं, उन शिव जी में मेरी भक्ति अटल रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्र दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तमा प्रबंध बद्ध कंधरा निलंप निर्झरी धरस तनोतु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियम जगत धुरंधरा। अर्थात जिनका कंठ नवीन मेघों की जटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान घनघोर काला है, जो गजचर्म गंगा बालचंद्र द्वारा शोभायमान है, जो पूरे विश्व का भार धारण करते हैं, वह शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजाच्छिदांधु कच्छिदम तमंत कच्छितम भजे। अर्थात जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए हैं, नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभावों से भी विभूषित हैं, जिन्होंने कामदेव और त्रिपुरासुर का विनाश किया था, जो संसार के दुख काटने वाले हैं, दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, गजासुर और अंधकासुर के विनाशक हैं, मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिवजी को भजती हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। अर्थात जो कल्याणमय अविनाशी समस्त कलाओं के रस आस्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भस्म करते हैं, त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर के संहारक दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के भी यम हैं, मैं उन शिवजी को भजती हूँ। जयत वदध्र विभ्रम भ्रमद भुजंग माश्वस द्वी निर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवाट
धीमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवम्। अर्थात अति वेग से भ्रमण कर रहे सांपों के फुंकार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धीम धीम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिव जी सब प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दृषद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कस्र जोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तित्रणार विन्द चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समह प्रवृत्ति का कदा सदा शिवम भजामि अहम्। अर्थात कठोर पत्थर और कोमल शैया सांप और मोतियों की माला अमूल रत्न एवं मिट्टी के टुकड़े शत्रु एवं मित्र राजा एवं प्रजा तिनका तथा कमल पर समान दृष्टि रखने वाले शिव जी को मैं भजती हूँ। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति ही सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवामि अहम्। अर्थात मैं कब गंगा जी के कछार गुंज में निवास करती हुई निष्कपट हो करके सर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिव जी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगी। नीलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौली मौलिका निगुंभ निर्भक्षरन धूषण का मनोहरा तनो तुनो मनोमुदम विनोदिनी अहर्निशम परहाश्रियम परम पदम परहाश्रियम परम पदम तगंज जल्ले जत्वी संचयः। अर्थात इंद्रपुरी की अप्सराओं के शिर से गिरी हुई निवारी के पुष्पों की मालाओं के पराग की उष्णता से उन्नत हुए पसीने से सुशोभित परम शोभा का सर्वश्रेष्ठ स्थान और रात दिन आनंद लेने वाली सदा शिव के शरीर की कांति का जो समूह है वह हमारे मन के आनंद की वृद्धि करे। इमम ही नित में ओ उत्तमम उत्तमम इस्तमम पठन स्मरण ब्रुवन नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरो सुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम ही देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। अर्थात इस उत्तम से उत्तम उत्तोत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने से या सुनने मात्र से प्राणी मात्र पवित्र हो जाता है, परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के घमों से मुक्त हो जाता है, ऐसा मानना है। पूजा वचन समय दशवक्त्र गीतम या शंभु पूजनम परम पठति प्रदोषे तस
स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदयो सुमुखीम ददा प्रददाति शंभु। इस प्रकार पूजा के अंत के समय में जो मनुष्य इस परम पवित्र तांडव स्तोत्र के पाठ को सुनता है या उसे नित्य प्रति करता है, उसे सदैव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र संपन्न हुआ। जय हिंद।